नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सा एलिजिबिलिटी टेस्ट बेहतर है, नेट या सेट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नेट है क्या। तो देखिए, नेट जो है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ कंडक्ट कराया जाता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कराया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। सेकंड, ये आपका सेट है फ्रेंड्स, ये आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक स्पेशल स्टेट के अंदर ही कंडक्ट होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। यानी कि भारत में जितने स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट अपने सेट एग्ज़ाम आयोजित कराती है। ये है दोनों में डिफरेंस। तो देखिए, जो आपका नेट है ये पूरे इंडिया में आपको जॉब के लिए अप्रूव्ड करती है। ये एग्ज़ाम आपका जब आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको आपके लिए पूरे इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मौका देती है। जो सेट है फ्रेंड्स, ये आपका ये क्या होता है, एक भारत के एक स्पेशल स्टेट के लिए ही आपको मौका देती है जॉब के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो नेट है वो आपके पूरे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें जॉब निकलता है तो आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप सेट क्लियर करते हैं तो आप सिर्फ उसी स्टेट के लिए अप्रूव्ड हैं, यानी उसी स्टेट में जॉब पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप जिस स्टेट के अंदर आप सेट क्लियर किए हैं। मान लीजिए आप अगर हरियाणा सेट एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, यानी कि हरियाणा का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर किया, तो वहाँ पे हरियाणा का स्टेट यूनिवर्सिटी जो होगी वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या लेक्चरर के लिए। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, पावर किसका बेस्ट है देखा जाए तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो नेट आपका पूरा कवर करता है, पूरा का पूरा इंडिया। सेट आपका कवर करता है सिर्फ एक स्टेट। तो हमें लगता है आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर पावर में देखें तो नेट बेहतर होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेट बहुत लो है या डाउन है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चाहता है कि हम अपने स्टेट में ही जॉब करें तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, अपॉर्चुनिटी है उनको यहाँ पे दिया जाएगा कि सेट आप क्लियर करें और अपने स्टेट में आप जॉब पाएँ। तो यहाँ पर ये अंतर है दोनों में। लेकिन अगर बेहतर की बातें करें तो थोड़ा सा ये कहना ज़रूरी होगा कि नेट इज़ द बेस्ट, आपका नेट बेस्ट होगा सेट से। क्योंकि अगर देखा जाए तो आप ऑल ओवर इंडिया में नेट क्लियर करने के बाद कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट क्लियर करते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, तो बस आप उसी स्टेट के अंदर ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एलिजिबिलिटी टेस्ट किससे बेहतर होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स ज़रूर औरों को भी शेयर करें, और प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार दिख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आपको आगे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके पास सीधे पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं अपलोड करते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।